उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के खेत में कथित गौवंश के अवशेष मिलने के बाद फैली हिंसा की एडीजी की रिपोर्ट पूरी हो चुकी है, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भेज दिया गया। रिपोर्ट में पुलिस की बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ है, जिसके चलते मुख्यमंत्री ने लापरवाही बरतने के आरोप में शुक्रवार देर रात सियाना के सीओ सत्य प्रकाश शर्मा और चौकी इंचार्ज चिंगरावठी सुरेश कुमार को हटा दिया है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर अभी तक कुल 5 अभियुक्तों चंद्र, रोहित, सोनू, नितिन और जितेंद्र को गिरफ्तार किया गया है। वहीं जांच में खुलासा हुआ है कि इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या सेना के जवान जीतू की बंदूक से निकली गोली से हुई थी, जो घटना को अंजाम देने के बाद जम्मू कश्मीर चला गया। बताया जा रहा है कि पुलिस की एक टीम वहां गई है, लेकिन बीएसएफ की ओर से कहा गया है कि वो जवान जीतू के इस मामले में संलिप्त होने की पहले अपने स्तर पर जांच करेंगे। अगर इस मामले में जीतू दोषी पाया जाता है तो उसको पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाएगा। पुलिस महानिरीक्षक एसके भगत ने बताया कि घटना में जीतू की क्या भूमिका थी, ये विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी की तफ्तीश में पता चलेगा। भगत ने बताया कि निरीक्षक हत्याकांड मामले में चंद्र, रोहित, सोनू, नितिन और जितेंद्र नामक अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में अब तक कुल 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि अपर पुलिस महानिदेशक एसबी शिरोडकर द्वारा इस मामले में की गई जांच की गोपनीय रिपोर्ट सक्षम अधिकारी को भेज दी गई है। भगत ने एक अन्य सवाल पर बताया कि एसआईटी की जांच रिपोर्ट में अभी कुछ समय लग सकता है, क्योंकि वे वारदात के एक एक पहलू पर गौर कर छानबीन कर रहे हैं। गौरतलब है कि 3 दिसंबर को बुलंदशहर के थाना सियाना इलाके के गांव में कथित गौवंश के अवशेष मिलने के बाद लोगों का गुस्सा फूट गया था, जिसके बाद आक्रोशित भीड़ थाने के माल गोदाम सहित कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था। वहीं इस हिंसा में सियाना थाना इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह सहित 2 लोगों की मौत हुई थी, जिसकी जाँच के आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, storyhow.in। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।